एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम सब का बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल आने वाला है और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं होली से रिलेटेड DIYs बनाऊं और मेरा भी बहुत मन था क्योंकि मैंने दिवाली, क्रिसमस, इवन वैलेंटाइन से रिलेटेड भी DIYs बनाए हैं लेकिन होली से रिलेटेड कभी कुछ बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। एंड आई नो कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको अभी शॉपिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है, घर भी सजाना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बहुत ही क्विक और इजी DIYs बनाऊंगी। और सिर्फ DIYs नहीं बनाएंगे, आज हम कुछ बहुत ही मज़ेदार करने वाले हैं। हम होली के लिए एक सेटअप बनाएंगे जहाँ पे आप अच्छी अच्छी सेल्फीज ले सकते हो और जो भी गेस्ट आपके घर आएगा ना वो भी इम्प्रेस होके जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आज की DIY डेकोरेशन में जो भी मटेरियल यूज हुआ है ना वो आप खरीद सकते हो ग्रेट डील्स पे गो पैसा ऐप के थ्रू। तो गो पैसा इंडिया का नंबर वन कैशबैक और कूपन वेबसाइट, इसके थ्रू आप टॉप ब्रांड से अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो और हर परचेज पे आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कैशबैक। तो गो पैसा के थ्रू कैसे शॉपिंग करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक और कलरफुल DIY से स्टार्ट करते हैं। वैसे सारे ही DIYs कलरफुल होंगे तो इसके लिए मैंने क्रेप पेपर लिया है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का और साथ में ले रही हूँ ये डिस्पोजेबल कप्स। इसके ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है और इस पार्ट को फेंकना नहीं है। इसके बाद मैं कप्स पे ग्लू लगा के इस टिश्यू पेपर को इसके ऊपर चिपका दूंगी और आप चाहे तो इन कप्स के ऊपर डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हैं, बट ये इतने वाइब्रेंट कलर के मेरे पास क्रेप पेपर रखे थे तो मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चार डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके छोटी छोटी सी कलर बकेट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो क्रेप पेपर की जगह जो नॉर्मल कलर्ड पेपर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्रेप पेपर चाहिए तो मैंने तो इसको अमेजोन से परचेज किया था, आप भी चाहें तो ले सकते हैं। और बाकी के क्राफ्ट मटेरियल भी आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। एंड क्राफ्ट मटेरियल के साथ साथ आई नो आपको होली की बहुत सारी शॉपिंग भी करनी होगी और देखो होली की शॉपिंग तो आप वैसे भी करोगे ही, तो शॉपिंग के साथ अगर पैसे की भी बचत हो जाए तब तो फिर क्या ही बात है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर आप गो पैसे के थ्रू शॉपिंग करोगे तो हर परचेज पे आपको बहुत सारा कैशबैक मिलेगा। तो चलो मैं अब ये भी बता देती हूँ कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो गो पैसा को यूज़ करना बहुत ही इजी है, जैसे आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो ना वैसे ही करना है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप उसमें और ऐड करना है। तो सपोज आपको कोई होली डेकोरेशन आइटम खरीदना है या फिर आप होली में खुद भी तैयार होगे तो आपको अपने लिए कुछ खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको गो पैसा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो आप स्टोरीज में डेली डील्स और लिमिटेड टाइम डील्स चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको जिस भी ऐप या वेबसाइट से शॉपिंग करनी है आप उसे सेलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन द गेट कैशबैक बटन। इसके बाद गो पैसा ऐप आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी वेबसाइट या ऐप पे और जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे ही कर लो। और शॉपिंग करने के बाद आप गो पैसा अकाउंट में अपना कैशबैक देख सकते हो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर और फिर कंफर्म करके आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और अगर आप मेरे लिंक से गो पैसा ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 25 रुपीज इंस्टेंट साइनअप बोनस मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, गो पैसा की अमेजिंग डील्स के साथ आप होली पे घर को डेकोरेट करो और क्राफ्ट सप्लाईज खरीदो, तो आपको जो भी चाहिए वो खरीदो और गो पैसा के साथ पैसे बचाओ और अपनी होली को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाओ। तो चलो फटाफट से एक और DIY बना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक कार्डबोर्ड लेना है और इसमें से तीन लेटर्स कट कर लेने हैं, HL और I। अब आप सोचोगे कि होली में तो O भी होता है ना, उसका हम क्या करेंगे, तो बस देखते जाओ O का जुगाड़ मैं कैसे करूँगी। तो पहले तो ये तीन लेटर्स को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपली कलर लेना है और क्योंकि होली है तो हम कलरफुल ही हर चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले रही हूँ और रैंडमली आपको इसके ऊपर कहीं भी पेंट कर देना है। तो है ना बिल्कुल इजी और क्विक, मतलब आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। और अगर किसी को पेंटिंग करना नहीं भी आता है तो भी ये वाली पेंटिंग तो आप ज़रूर कर ही लोगे। एंड इसमें तो ये भी टेंशन नहीं है कि कलर इधर उधर फैल जाएगा या मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसके बाद हम डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन और भी मैंने कुछ DIYs बनाए हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनाई हैं। और पता है होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, बचपन से ही मुझे होली का बहुत क्रेज़ रहता था। मैं होली के दिन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी और फिर वेट करती रहती थी कि सब लोग कब स्टार्ट करेंगे होली खेलना। तो चलो फालतू की बकबक बंद करती हूँ और आपको बता देती हूँ कि इस एरिया में ही हम अपना सेटअप बनाने वाले हैं। तो यहाँ नीचे मैं फ्लोर सेटिंग करूँगी और यही जगह मैंने क्यों चूज़ की है, क्योंकि यहाँ वॉल पे ना एक नेल लगा हुआ है तो मुझे ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं नेल पे कुछ धागा वगैरह मतलब रोप वगैरह बांध सकूँ। तो पहले तो मैंने जो ये वॉल डेकोर बना के यहाँ लगा रखा है इसको मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा।
और देखने में भले ही ये भारी सा लगता हो पर ये है बहुत ही हल्का सा, क्योंकि बहुत ही हल्की चीज़ों से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम फ्लोर सीटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास ये कारपेट रखी थी, तो मतलब दो तीन कारपेट जो भी हैं उसमें से मुझे यही थोड़ा सा कलरफुल लगी, तो मैं इसको यहाँ पे बिछा रही हूँ। आपके पास कोई कलरफुल चादर हो या कोई भी कलरफुल वाली चीज़ हो ना तो उसको आप बिछाइए। वॉल पे जो नेल था उस पर मैंने रस्सी बांधी है और मैं अपने कुछ दुपट्टे भी लेके आ गई हूँ। एंड अगेन मैंने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ही दुपट्टे यूज़ किए हैं। तो ऐसे वॉल में लगा के मुझे इसको फिक्स करते नहीं बन रहा था, तो मैंने पहले रस्सी को नीचे उतार लिया और सारी चीज़ों को एक धागे की हेल्प से फिक्स कर लिया। और इसको बस ऐसे थोड़ा लूजली मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, क्योंकि बाद में हम इस धागे को इजीली निकाल भी सकें। तो ज़्यादातर मैं वो वाले स्टोल्स यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें से एक तो ना मैंने छत पे फैलाया था, वो बंदर ने फाड़ दिया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, क्योंकि अब इसको मैं पहन तो सकती नहीं हूँ। और पता है हमारे साइड ना बहुत सारे बंदर आते हैं। मुझे वैसे बंदर बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो नुकसान भी कर देते हैं। यार मैं टॉपिक से इतना भटक क्यों जाती हूँ। तो हाँ, यहाँ पे अभी मैंने शादी के कार्ड में से ऐसी डोरी उसमें लगी होती है वो निकाल ली, और गोल्डन कलर की डोरी थी तो मैंने उससे इन दुपट्टे को यहाँ पे बांध दिया है। तो ये बैकड्रॉप काफ़ी सुंदर लगेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल रख रही हूँ साइड में, और इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए भी मैं एक DIY यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये भी फटाफट से बन जाएगा। और इसके लिए मैंने एक डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर यूज़ किए हैं और इसमें ऐसे ड्रॉप शेप बना के कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हैक भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कलरफुल पेपर्स नहीं है ना, तो आप पुराने शादी के कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो अब ये सारे पीसेस को मैं टेबल के अराउंड चिपकाऊंगी, और चिपकाने के लिए मैंने मास्किंग टेप को पहले इसके चारों तरफ ऐसे राउंड करके फिक्स कर दिया है। और क्योंकि हमें ये टेबल को परमानेंट तो ऐसे रखना नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ, कि परमानेंट ग्लू नहीं यूज़ कर रही हूँ। और फिर आप पेपर को बहुत ही ईजिली इस टेप के ऊपर चिपका सकते हो। तो देखो हमारी एक नॉर्मल सी वाइट टेबल बिल्कुल होली अप्रोप्रिएट बन गई, और कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है। तो टेबल रेडी है। अब हमने जो दूसरा वाला DIY बनाया था होली वाला, तो उसको मैं यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। तो ओ के लिए ना मैंने एक ऑलरेडी DIY बनाया हुआ है, उसका वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे मेरे बनाए हुए कुछ और DIYs भी हैं, जैसे कि एक ट्रे मैंने बनाई थी, तो इसको मैं इस टेबल के ऊपर रख रही हूँ। तो जैसे ये जो ट्रे है और होली का जो ओ है, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसा नहीं है कि होली को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, बट मैं घर पे देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे मैं चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे एक कलरफुल वास चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक हैंड पेंटेड बॉटल यूज़ की है जो कि काफ़ी कलरफुल थी, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर पानी में मिक्स करके भर दिया है। मेरे पास होली का कलर नहीं था, तो मैंने एक्रीलिक कलर ही भर दिया है। अब मेरे पास ये कलरफुल कुशन्स भी रखी हुई थी, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुशन्स तो फ्लोर सीटिंग में ज़रूरी है ही, और हमारे पास कलरफुल कुशन थी तो फिर मज़ा ही आ गया मुझे। अब दूसरी साइड पर मेरे पास एक वुडन स्टैंड था, इसको मैं रख रही हूँ। एंड इसके बाद मैं कुछ प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो वैसे तो ये सारे फेक प्लांट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप तो आएगी नहीं, तो मैं सारे फेक प्लांट्स ही रख रही हूँ। और आप ओरिजिनल वाले प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हो। और किसी भी जगह में कलर्स ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ क्या करूँ, तो वहाँ पर बस आप प्लांट्स रख दो। और प्लांट्स तो हर डेकोरेशन के साथ अच्छे ही लगते हैं। अब इसके बाद मैंने दिवाली पे जो फूल की माला ली थी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ सामान खरीदा नहीं है सेटअप को बनाने के लिए। जो भी चीज़ें हैं मेरे पास घर में, मैंने ढूंढ ढूंढ के सारी कलरफुल चीज़ें इकट्ठा की और उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलो फटाफट से एक और DIY भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस पेपर को ऐसे रोल कर देना है, देन कोई भी दूसरे कलर के पेपर में से एक सर्कल बना के कट कर लेना है। और इसको कट करने के बाद आपको बीच में एक ऐसे कट लगा देना है, और फिर बीच में से इसको घुमा के कुछ इस तरीके से चिपकाना है ताकि ये कोन का शेप बन जाए। अब जो हमने पेपर रोल किया था उसके ऊपर इस कोन को हमें चिपका देना है। और मैं यहाँ पे फेविकॉल SH यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जिससे पेपर चिपक जाए। अब एक छोटा पेपर लेना है और उसे भी हमें रोल कर देना है। इसके बाद आपको कोई स्टिक ले लेनी है पतली सी, तो मैंने यहाँ पे ये स्क्यूअर स्टिक ली है। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इस रोल के अंदर इसको अटैच कर देंगे, और फिर इस वाले पार्ट को हमने जो बड़ा वाला रोल बनाया था उसमें अटैच कर देना है। तो हमारी कलरफुल सी पिचकारी भी बनके रेडी हो जाएगी, और इसे भी हम डेकोरेट कर देंगे। अब ये जो कलरफुल ड्रॉप्स हमने बनाई थी ना, इसमें से थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों फेंकना है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक रिबन के साथ मैंने इन सारे कलरफुल
ड्रॉप्स को कुछ इस तरीके से चिपका लिया है तो एक झालर जैसा बन जाएगा। एंड वुडन स्टैंड को भी मैंने डेकोरेट कर दिया है, बट ये वुडन वाला लुक मुझे पूरे लुक के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में मैंने यहाँ पे कलरफुल पेपर रख दिया जो कि आप फाइनल लुक में देखोगे। और जो हमारी छोटी छोटी सी बकेट्स थी उसमें भी हम कलर फिल कर देंगे। एंड इतनी ज़्यादा क्यूट लगने लगी ना कि ये मेरा फेवरेट DIY है इस वीडियो में। तो चलो अब फाइनल लुक देख लेते हैं। ऑल सेट फॉर होली। तो कैसा लगा आपको ये सेटअप? तो मुझे तो इसको क्रिएट करने में बड़ा मजा आया। आपको वीडियो कैसा लगा और ये क्यूट क्यूट से प्यारे से DIYs आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये प्यारे प्यारे से DIYs घर पे जरूर ट्राई करना। होली पे खूब मजे करना, खूब सारी शॉपिंग करना और शॉपिंग पे पैसे बचाने हैं तो गो पैसा ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली।